ये इस बीच का मेन एंट्रेंस पर जाने का एक रास्ता है, वो आपको नाइट क्लब दिख रहा था, और यहाँ से इस पतले रास्ते के सहारे मैं इस बीच पर इंटर करूँगा। और यहाँ पे क्या है, पार्किंग एरिया दोनों साइड पर है, और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। तो दिस बीच इज फेमस फॉर इंडियन लवर्स, मतलब यह बीच भारतीय प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही फेमस है। तो नॉर्थ गोवा का यह बीच बिल्कुल अलग है अन्य बीचों के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है। अगर आप भी गोवा में आके वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रशियन लोगों के साथ साथ इंडियन लोग भी वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आगे चलता हूं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे गोवा से रिलेटेड नए नए वीडियोज और लेटेस्ट वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचें। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन लवर्स या फिर के भारतीय प्रेमी जोड़े यहाँ पे फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी करते हैं। स्पेशली जो नए कपल्स होते हैं, मतलब न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं, वो 100% इस बीच पर जरूर आते हैं। तो यह है नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच, बहुत ही सुंदर बीच, या फिर ये कहें बेस्ट बीच ऑफ नॉर्थ गोवा, जिसे बागा बीच कहा जाता है। और यहाँ की सुंदरता ये सेक्स 4 गुना बढ़ा देती हैं, क्योंकि इस बीच पर मिलेगी आपको कलरफुल सेक्स के साथ साथ इंडियन लोगों के साथ साथ यूरोपीय लोग भी मिलेंगे। ध्यान से सुनना, यूरोपीय लोग, ना कि रशियन लोग, क्योंकि इस बीच पर मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री से लोग आके अपनी छुट्टियों का एंजॉय करते हैं। तो बागा बीच जो कि नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच है और बहुत ही क्राउडेड बीच है, या फिर ये कहें भारतीय लोगों का पसंदीदा बीच है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडियन लवर्स लोगों का पसंदीदा बीच है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी सीजन में आओगे, चाहे जनवरी में हो चाहे दिसंबर में हो, आपको हर समय इतना ही क्राउड दिखने वाला है। अभी तो ये सेक्स में फिलहाल लोग नहीं है, क्योंकि दोपहर का समय है, सभी लोग नहाने चले गए हैं, लेकिन मैं आपको सेक्स दिखा रहा हूं सो दैट आप लोगों को अनुभव हो जाए और आप लोगों को ही पता चले कि कैसी सेक्स होती है गोवा के इस बीच पर। तो बागा बीच पर वाटर स्पोर्ट्स करते हुए आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही क्राउडेड होता है और वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस भी बहुत सस्ती होती है दूसरे बीचों के मुकाबले। तो इंडियन लोग यहां पे हमेशा आते हैं। अगर आप भी 2024 में गोवा आ रहे हो और गोवा के बागा बीच पर आ रहे हो तो वाटर स्पोर्ट्स करके ज़रूर जाना। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, बीस्टिंग प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा बीचेज, बेस्ट प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, थिंग्स टू डू इन नॉर्थ गोवा, थिंग्स टू डू इन गोवा, नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, नॉर्थ गोवा विजिटिंग प्लेसेज, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।